अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। राम सभी भाइयों में बड़े थे और उनकी माता का नाम कौशल्या था। भरत राजा दशरथ के दूसरी प्रिय पत्नी कैकेयी के पुत्र थे। दूसरे ओर 2 भाई थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनकी माता का नाम सुमित्रा था। जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र बूढ़ी मंथरा के द्वारा किया गया था। उसी ने पानी कैकेयी के कान भरकर उसे राम के विरुद्ध कर दिया, जिससे उसने सोचा कि सिंहासन सिर्फ उसके बेटे भरत का है। उसने इस चीज को कामयाब करने के लिए एक चाल चली। असल में रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ की जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी मांगने के लिए पूछा था, पर कैकेयी ने कहा, समय आने पर मैं मांग लूंगी। उसी वचन के बल पर कैकेयी ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपने सौतेली माँ कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। इस असीम दुख को राजा दशरथ सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़ीडिढ़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई पवित्र और अच्छे लोगों से भी वे मिले। वे चित्रकूट वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन सूर्पणखा ने राम को देखा और वह उन पर मोहित हो गई। उसने राम को पाने की कोशिश की, पर राम ने उत्तर दिया, मैं तो विवाहित हूं, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ के देखो। तब सूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने लगी, पर लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया। तब सूर्पणखा ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर दिया। ये देखकर लक्ष्मण ने चाकू से सूर्पणखा का नाक काट दिया। अब जब सूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बातें जानकर रावण को बहुत क्रोध आया। उसके बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट के कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मारीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़ के लाने के लिए कहा। सीता की बात को मानकर राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को छोड़कर कहीं ना जाए। अब जैसे ही राम का बाण हिरण बने मारीच को लगा, वह अपने असली राक्षस रूप में आ गया और राम के आवाज में सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारने लगा।